अभी टाइम हुआ है 11:20 और मैं आके पहुंच गया स्कॉपी के पास। और ये जो भाई बहन है, 3 बहन और 1 भाई था, और भाई को देख सकते हो उसका एक पैर नहीं है और उसको फिर से मारा है जिसकी वजह से ठीक से चाल नहीं पा रहा है। और अपने 3 पैर को लेके बहुत खुश था और एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ट्रीटमेंट वगैरह ठीक ठाक हुआ था और अभी फिर से मारा है। और उसको मैं मेडिसिन देने के लिए आया हूँ। अभी टाइम 11:20 और बच्चों के लिए मैं रोटी लेके आया हूँ, थोड़ा सा रोटी देंगे खाने के लिए, क्योंकि 1 राइस हुआ है और बच्चे 1 राइस नहीं खाते हैं, चिकन राइस खाते हैं, शायद रोटी देने से खाएंगे, जिसकी वजह से मैं उनके लिए रोटी लेकर आया हूँ। और पप्पी थोड़ा ठीक ठाक है, अब देख सकते हो ठीक से खड़ा भी हो नहीं पा रहे और 100 की मेडिसिन खा रहा है। और उसका जो बहन है रेड कलर का, उसको भी फिर से मारा है और इतना दुख लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। जो पप्पी मेरे पीछे दौड़ रहे थे, मेरे साथ खेल रहे थे, आज वो ठीक से चल नहीं पा रहे और ये बार बार फिर से मारा है, जिसकी वजह से ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। और मैं मेडिसिन दे रहा हूँ खाने के लिए और बच्चों को रोटी देंगे खाने के लिए। देखिए रोटी दिया हूँ लेकिन नहीं खा रहा है। पप्पी को जब अच्छा लगेगा शायद रोटी खा लेगा। और आगे कुछ बच्चे हैं तो मैं इनको भी देने के लिए जाऊँगा, और रात भी बहुत हो गया है। और जब मैं आके घर पहुँच गया, अब देख सकते हो कितना बच्चे मेरे इंतज़ार में है। तो जितना बच्चे यहाँ है सबको हम राइस और एग देंगे, और इसी इंतज़ार में बाहर बैठे हैं हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो मैं इनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता और दोपहर को मैं राइस दिया था, सुबह बिस्किट दिया था। ये देखिए काड़ू बॉय और ये है ब्लैकी, और सबको मैं एग राइस दे रहा हूँ। देखिए कितना खुशी से खा रहे हैं। और मेरा फेवरेट बॉय है काड़ू बॉय, देखिए काड़ू बॉय को ज़्यादा चाहिए राइस। देखिए बोल रहे पापा मैं सब कुछ खा दूंगा, देखिए कहाँ घुसे है काड़ू, क्यों बदमाशी कर रहा है बेटा, ए काड़ू लीप, वहाँ पे जाके खाओ। और जितने बच्चे हैं सबको आज राइस देंगे रात को। और ये जो पप्पी को आप देख सकते हो, ये 10-11 महीने का पप्पी है और मदर हो गया है और पप्पी दिया है, जिसकी वजह से ज़्यादा भूख लग रहा है। काड़ू भाई बदमाशी क्यों कर रहा है बेटा, तुम्हें राइस दिया था ना, चलो चलो तुम्हें साइड में देंगे चलो। ये देखिए इस पप्पी को, इस पप्पी को हम राइस देंगे, क्योंकि पप्पी दिया है ना, जिसकी वजह से ज़्यादा भूख लग रहा है। और आप समझ सकते हो जो भी फीमेल पप्पी देते हैं कितना भूख लगता है, और अभी तो गर्मी सीजन चल रहा है। और जितने बच्चे हैं मेरा यहाँ घर के आगे, सबको मैं दूँगा खाने के लिए राइस। थोड़ा बाउल शॉर्ट है जिसकी वजह से कुछ बच्चे को इंतज़ार करना पड़ रहा है। और देखिए रॉकी बॉय भी आ गया है, और रॉकी का स्किन प्रॉब्लम हो गया है, मैं मेडिसिन दिया हूँ खाने के लिए और थोड़ा टाइम लगेगा ठीक ठाक होने के लिए। और दोस्तों जितना हो सके मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ और करता रहूँगा, और आप जो सपोर्टिंग देते हो इसलिए आपको थैंक यू। और जितना मेरे से हो सके मैं उनके लिए काम करता हूँ। और कुछ बच्चे रह गए हैं यहाँ, अकेले रहता है माँ और बेटी, उसका नाम है कोको। कोको देखिए कोको आ गया, और ये 6 मंथ का पॉपी, और उसका माँ बेटी यहाँ अकेले रहते हैं। और उसका मदर का एक ग्रुप था, और जब उसका पॉपी दिया, पॉपी की सब काटने लगे, जिसकी वजह से मदर पॉपी को लेके अलग हो गया। और मदर को मानना पड़ेगा, उसका पॉपी को 6 मंथ होने के बाद भी उसका पॉपी को वो नहीं छोड़ रहा है, तो माँ ऐसा होता है। और उसका बेटी के लिए ग्रुप भी छोड़ दिया है।